नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आपके अपने YouTube चैनल विकास मोबाइल टेक में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि में ई केवाईसी को लेकर के, जिसमें एक एरर आता है मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिट, जिससे कि काफ़ी लोग परेशान हैं। उनके समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी ई केवाईसी अब वो हुई है या फिर नहीं हुई है। और सेकंड बात, जिन्होंने अपनी ई केवाईसी को कंप्लीट कर दिया उन्हें नहीं पता है कि हमारी ई केवाईसी कंप्लीट हो गई है या फिर नहीं हो गई है। स्टेटस कैसे चेक करोगे, इस वीडियो में आपको कंप्लीट दिखाने वाला हूँ, लाइव प्रूफ। ठीक है, तो वीडियो को छोड़ के जाइएगा मत। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आपको स्टेटस कैसे चेक करना है कि आपकी ई केवाईसी है वो कंप्लीट हुई है या फिर नहीं हुई है। इसी वीडियो में आपको ये भी जवाब मिल जाएगा कि आपका जो मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिट है वो क्यों आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमें करना क्या है कि जो ई केवाईसी का ऑप्शन है इस पर सिंपल कर लेना आपको क्लिक। जब ये ऑप्शन यानी कि खुल जाए तो आपको यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है उन किसान भाई का जिनका आपको ई केवाईसी करना है या फिर जिनके में प्रॉब्लम आ रही है, एक्स वाई जेड मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिट जो भी है, आप यहाँ पर आधार नंबर डालिए। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे एक आधार नंबर डाल देता हूँ। अब आप लोग देखोगे मैंने आधार नंबर डाल दिया है, सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने नीचे ऑप्शन आ जाएगा आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालने के लिए। तो यहाँ पे मैं इनका वो नंबर डाल देता हूँ जो इनके आधार कार्ड में लगा हुआ है और जिससे पहले कि इनकी ई केवाईसी को कंप्लीट किया गया था। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हम गेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एरर आ रहा है मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिट। अब देखिए, अगर जो आपके पास भी ऐसा एरर शो हो रहा है कि मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिट, तो आपकी ई केवाईसी हो चुकी है कंप्लीट। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं आपको लाइव प्रूफ के यहाँ पे दिखा देता हूँ, यानी कि स्टेटस चेक करके दिखा देता हूँ। अब आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है यहाँ पे आपको कोई सा नंबर डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही डालना हो, यहाँ पे कोई भी नंबर डाल दोगे चलेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने दूसरा नंबर डाल दिया है, गेट ओटीपी, गेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक किया। अब हमारे नंबर पे ओटीपी चला जाएगा, दूसरा नंबर डालेंगे उस पे, तो ओटीपी आ गया है, यहाँ पे फिल कर देता हूँ मैं। अब आप लोग देखोगे यहाँ पे ओटीपी डाल दिया है, सबमिट ओटीपी पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे अब हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा गेट आधार ओटीपी। ठीक है, ध्यान से देखना वीडियो को, आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस पे क्लिक करेंगे गेट आधार ओटीपी पे, तो अब हमारे उस नंबर पे यानी कि एसएमएफ जाएगा जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो उस पे एक आधार कार्ड का ओटीपी आएगा, तो ओटीपी भी हमारा आधार कार्ड का एकदम सेल्फ स्टार्ट आ गया है, हमने ओटीपी यहाँ पे डाल दिया है। ओके, ओटीपी डाल के सबमिट फॉर ऑथेंटिकेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो ई केवाईसी इज ऑलरेडी डन। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिट दिखा रहा है तो आपकी जो ई केवाईसी वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको यानी भरोसा नहीं है तो आप वहाँ पे मोबाइल नंबर पहले चेंज कर दीजिए, वहाँ पे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक पीएम किसान की तरफ से ओटीपी आता है, यहाँ पे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का ओटीपी अलग से आता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं हर समस्या का समाधान निकालने के लिए तैयार हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।